जब किसान खेत में काम करता है तो वो खून पसीना एक करके काम किया रहता है। ऐसे ही कांसीराम बारा घाट विकास खंड मस्तूरी जिला बिलासपुर का निवासी है। सन 2013 में 54 क्विंटल धान बेचा था, मगर आज तक उसको उसके धान का भुगतान नहीं मिल पाया है। हम 129 किसान हैं, बारा घाट है, देगांव है, खोड़ू भाटा है, कोसमडी है, खैरा है, बिलटुकरी है, जरामनगर है, ये सब किसान फंसे हुए। वही 58% के हिसाब से थोड़ा सा पैसा बस मिली, बाकी समस्या सब माढ़े है। और कृषि मजदूर वाला आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, लागा बड़ी मरत हैं। कलेक्टर क्या बोलता है आप लोग को? कलेक्टर सिर्फ सुझाव देता है, मिल जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। कई पीत कलेक्टर गए, कई पीत मतलब बोल दरखास्त भी लगाए, अब फिर भी मतलब वहाँ कोई ध्यान नहीं दे। एक तरफ देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत धान का बीमा किया जा रहा है और बोनस भी दिया जा रहा है, मगर यहाँ पे किसानों को पेमेंट ही नहीं मिल पा रहा है। अब सरकार से हम उम्मीद रखा था मिल जाए इसे करके, तो कोई ध्यान नहीं दे थे। तो सरकार जगह रिक्वेस्ट है, अब ये चीज़ है, बहुत अकन हमारे मतलब बहुत किसान के फंसे है, अब गरीब आदमी पर ही समस्या हमारे बहुत ज़्यादा है। ये किसानों का जो दर्द है, और इन लोग इतने बार दौड़ दौड़ के सभी अधिकारियों के पास जा रहे हैं, मीडिया में भी दिए हैं, मगर कहीं पे इन लोगों की आवाज़ की सुनवाई नहीं हो रही है। इंडिया अनहर्ट के देखने वाले सभी दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि जिला बिलासपुर के कलेक्टर ऑफिस का मोबाइल नंबर 07752222344 को कॉल कर दबाव बनाएं, ताकि जल्द से जल्द सभी किसानों को उसके फसल का भुगतान मिलने पाए। मैं वृंदा आज़ाद, बिलासपुर छत्तीसगढ़, इंडिया अनहर्ड के लिए।